आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि की बहुत ही झटपट सी थाली। ये बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही क्विक रेसिपी है, तो इस नवरात्रि आप इसे ज़रूर ट्राई करें और माता रानी को भोग भी ज़रूर लगाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी, जिसके लिए एक पैन में यहाँ 1 टेबल स्पून मैंने तेल लिया है ऑयल, और आप चाहें तो घी ले सकते हैं। आप इसमें हरी मिर्च और कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे हाई फ्लेम पे, ताकि ये थोड़ा सा सॉटे हो जाए। और इसके बाद हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें आलू अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ही आप उबले आलू को तोड़ के यहाँ पर डाल दें और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। इसी समय हमारे आलू भी फ्राई हो जाएंगे और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पानी लिया है और उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे आप ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग रखें, अगर आपको थोड़ा गाढ़ा करना है तो आप इसे अच्छा थोड़ा गाढ़ा होने दें, कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इसे मिक्स करेंगे जब तक कि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और जो पानी है वो अच्छे से पक जाए। ये सब्ज़ी जब ठंडी होती है तो थोड़ी गाढ़ी होती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसकी ग्रेवी रखें। और बस 1 से 2 मिनट में ही हमने इसे गार्निश कर दिया हरी धनिया के साथ, और ये देखिए तैयार है हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अब दूसरा हम बनाएंगे मूंगफली का हलवा, पीनट हलवा। जी हाँ, इसके लिए आप मूंगफली के दानों को सूखा फ्राई करें, घी डालने की ज़रूरत नहीं है, सूखा ऐसे फ्राई करें, इसे रोस्ट करें और जब हो जाए तो इसको निकाल के इसे ठंडा करके और इसके छिलके को हटा दें। जब एक बार के छिलका हटा देंगे तो हम इसे एक दरदरा हमें पाउडर बनाना है इसका, ये भी हमें ड्राई ही इसको ग्राइंड करना है। अब इसी मूंगफली के पाउडर से 1 से 2 टीस्पून हम रख लेंगे, हमें आगे काम है, और बाकी का हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे कढ़ाई में सूखा, अभी घी वगैरह कुछ नहीं डालना है। और अब यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून चीनी डाला है और यहाँ पे पानी डाला है 1.5 कप के लगभग, आप चाहें तो यहाँ पे दूध भी डाल सकते हैं। अब हमें इसे अच्छा बॉयल आने तक और थोड़ा इसे गाढ़ा होने तक के पकाना है, और ये देखिए इसमें बॉयल आने लगा है। अब ये थोड़ा गाढ़ा होने तक के हमें इसे पका लेना है। ये बहुत ही क्विक खीर की रेसिपी है, हलवा आप जो भी कह लें। तो ये देखिए तैयार है हमारी मूंगफली की खीर या हलवा। अब यहाँ हम साबूदाना बड़ा बनाएंगे, जिसके लिए मैंने उबले आलू लिए हैं। मैंने यहाँ 3 उबले आलू लिए हैं, 1 कटी हुई हरी मिर्च ली है, 1 छोटे कटे अदरक, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार लिया है। अब जो वहाँ पे मूंगफली का पाउडर था, यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के लगभग मूंगफली वाला पाउडर डाल दिया है, और 15 मिनट के लिए साबूदाना भिगा दिया था और इसको भी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ये देखिए अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इन सबके बॉल्स बना लेंगे। आपको जिस शेप का जितना बड़ा चाहिए उस हिसाब से आप टिक्की बना लें, और ये तैयार है। अब हम सेम टाइम पे सिंघाड़े की पूड़ी की भी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू कद्दूकस कर लिया है, यहाँ मैंने 2 बॉयल्ड आलू लिया था, इसे आप कद्दूकस करें, हाथ से नहीं फोड़ें। और 4 टेबल स्पून सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का भी आटा आप ले सकते हैं, ये डालें और इसे मिक्स कर लें। यहाँ पे पानी ऐड नहीं करना है, जो मॉइस्चर होता है बॉयल्ड पोटैटो में उसी से ये अच्छे से गुद जाएगा। अब आप वाटर, पानी को अच्छे से अपने हथेलियों पर इसको अच्छे से लगाएं और पानी को ग्रीस करके इस तरीके से दबा दबा के आप इसे फ्लैट करें, इसे बेलें नहीं, क्योंकि ये बेलने में बहुत टूटने लगता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे ही हथेलियों से इसे प्रेस करते हुए आप इसे दबा लें। अभी यहाँ पे क्या करना है कि तेल को हमने कढ़ाई में लिया है और इसे हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, और तब हम पूड़ियाँ तलेंगे। जब एक साइड ये अच्छे से हो जाएगी तभी हम इसे फ्लिप करेंगे, पलटेंगे, और इसी तरीके से सिंघाड़े की पूड़ी भी हम तलेंगे, और जो हमने साबूदाने वड़े बनाए हैं हम उसे भी फ्राई कर लेंगे। सिंघाड़े की पूड़ी आप तभी बनाएं जब आपको इसे तुरंत ही तलना हो, इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं गुथ के,
तो ये देखिए इस तरीके से आप इसे अच्छे से पका लें मीडियम फ्लेम पे। एक बार को हमारी जब पूड़ियाँ हो जाएंगी तो हम इसमें इसी पैन में साबुदाने बड़े भी तल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली उबले आलू से ही मैंने 3 से 4 आइटम बना लिए, तो आप सभी इसे ज़रूर ट्राई करें। और मैं एक चीज़ पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप भोग ये व्रत की थाली बनाएं तो माता रानी को सुबह और शाम भोग लगा के तभी इसको खाएं। और ये देखिए इसी तरीके से साबुदाने बड़े बना लेंगे। और लास्ट में यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीरे का रायता। ये बहुत इजी है, आप खीरे को कद्दूकस करें, एक्स्ट्रा पानी उसका निकाल दें, और फिर दही, जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अगर चीनी आप पसंद करें तो एक चुटकी चीनी डाल दें, इसे मिक्स करें और तैयार है हमारा रायता। और ये देखिए आज हमने क्या क्या बनाया, आलू टमाटर की सब्ज़ी, सिंघाड़े की पूड़ी, साबुदाना वड़ा, मूंगफली का हलवा या खीर कह लीजिए, और खीरे का रायता। यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी भी बनाई है, इसके लिए मैं आपको जो भी जिस तरीके से मैंने बनाई उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यहाँ पे तैयार है हमारी बहुत ही क्विक, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही बेसिक सी व्रत की थाली। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी मैं और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ बताऊँगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, थैंक यू।